मीडिया के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। 17वीं लोकसभा का ये छठा सत्र आज संपन्न हुआ। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो, माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा और आकांक्षाओं को भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए ताकि उनके अभावों को दूर कर सकें। लेकिन इस बार लगातार गतिरोध रहा, और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। पिछले 2 वर्ष संसद के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता वाले रहे, देर रात तक सदन भी चला, और कोविड महामारी के समय भी माननीय सक्रिय रूप से सदस्यों की भागीदारी रही। मेरी कोशिश थी कि इस बार भी मैं सदन को देर रात तक चलाता, सब विषयों पर चर्चा होती, संवाद होता, माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र की बातों को सदन में रखते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। उसके कारण कुल 17 बैठकें हुई और 21 घंटे 14 मिनट तक चली। और 96 घंटे जो नियत समय था उसमें केवल 74 घंटे और 46 मिनट तक ही सदन चला। कुल उत्पादकता 22% रही। 15 सरकारी विधेयक पुरस्थापित किए गए, 20 विधेयक पारित हुए, अन्य पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित संविधान 127 में सभी दलों की सहमति से सदन चला। मैं इस मौके पर प्रधानमंत्री जी, सभी दलों के नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिनका सदन में योगदान रहा। विधेयकों के बारे में मैंने सूची आपको दिए और इन विधेयकों की डिटेल की सूची आपको और भेज दी जाएगी। सदन में आप सभी लोगों का सकारात्मक योगदान रहा। कोविड की इस परेशानी के बाद भी आपने सदन के कामकाज को सकारात्मक रूप से देश के सामने रखा, हर पहलू को आपने देश के सामने रखा। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि भविष्य में भी सदन का कामकाज अधिक हो, हम सकारात्मक रूप से संदेश दे सकें। देश की जनता की भी अपेक्षाएं रहती है कि सदन चलना चाहिए ताकि हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं सदन में के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके, और यही प्रयास मेरा हमेशा होता है। कई दौर की वार्ता भी कही गई,
लेकिन कई मुद्दों के कारण सफलता नहीं मिली। मैं आशा करता हूं कि भविष्य के अंदर सदन के कामकाज को हम और अधिक देर तक चलाकर जो मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई उन पर अगले सत्र में चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, क्योंकि संसद लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां पर हम देश के बुनियादी सवालों को उठाते हैं। और जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इस 75 साल की यात्रा में हमारे देश के विकास कितना हुआ और भविष्य में क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं उस पर भी चर्चा होती तो उपयुक्त रहता। मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आपका इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आप सर इस सत्र